स्वतंत्र देव सिंह ने चलाया स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत खैसरबांक बस अड्डे पर सफाई की गई। भारत समाचार से खास बातचीत में उन्होंने सभी से अभियान से जुड़ने की अपील की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आप देख सकते हैं कि खुद जो है यहाँ सफाई करने पहुँचे हैं। कैसरबाग बस अड्डा है ये, जहाँ पे परिवहन मंत्री जो है खुद इस सफाई अभियान की जो है शुरुआत कर रहे हैं और खुद जो हाथों में झाड़ू लेके जो है वो परिसर की सफाई कर रहे हैं। जो तमाम अधिकारी हैं परिवहन विभाग के वो भी इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद भी हम उनसे बात कर लेंगे। सर, आप अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता अभियान मेरे जीवन का अंग बनना चाहिए और ये देश के प्रधानमंत्री ने सरकार का गठन होने के बाद स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है, इसलिए पूरा देश आज से पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान, देश का प्रधानमंत्री जी का आज वो स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है और उसी को लेकर पूरे देश के अंदर स्वच्छता अभियान स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है और बाकी भी हर एक चीज़ के लिए। यदि आप स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं तो स्वस्थ हैं, बीमारी भी दूर होती है, मच्छरों से भी दूर मिलता है, दूरी मिलती है और एक अच्छा वातावरण डेवलप होता है। सभी को स्वच्छता अभियान में भाग लेना चाहिए। कोई मैसेज देंगे सर जनता को? मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अपने घर की स्वच्छता, अपने गलियों की स्वच्छता और स्वयं स्वस्थ रहना चाहिए, जिसके कारण बीमारी मुक्त होगा और स्वास्थ्य सभी का ठीक रहेगा। यही मैं आज के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो ये थे परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने जहां परिसर की सफाई की है और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो जनता है उससे भी अपील की है कि आप जो है यदि सफाई का हिस्सा बनते हैं, सफाई करते हैं तो आप भी स्वच्छ रहेंगे और वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। कैमरा पर्सन आशीष आतंक, कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।